गुजारिश रहेगी कि हमेशा समय निकाल के भी खर्च करके भी थोड़ा ज्यादा कम, मगर समाज के साथ हमेशा रहना। समाज एक ताकत होती है, मुसीबत के अंदर भाई भाई की मदद करता है। वैसे तो हम सब भारतवासी हैं, मगर किंतु क्योंकि एक समाज भी एक व्यवस्था है, समाज की अपनी एक प्रतिष्ठा होती है, समाज की एक आगवी एक परंपरा होती है। आप उस परंपरा को आगे बढ़ाइए, संस्कार को आगे बढ़ाइए। मैं तो सिर्फ हमारी बहनों को, छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए गुजारिश करूंगा, उनके लिए आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि हमारे बच्चों को मोबाइल मत दीजिए। कुछ आज ही अखबार में आया है कि किसी गांव में महाराष्ट्र में सरपंच ने मीटिंग बुलाई, 15,000 लोग हैं उस गांव में, सब ने तय कर दिया कि हम लोग शाम को कुछ 6 बजे से लगा के 8 बजे तक कोई ना टीवी देखेंगे ना मोबाइल देखेंगे, हमारे बच्चों के साथ खेलेंगे या हम पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे या हम पढ़ाएंगे, मगर बच्चों को ग्राउंड मैदान में खेलना जरूरी होता है। ये मोबाइल में खेलने लग जाते हैं, बड़ी दिक्कतें आती है, बहुत उनकी जो रुचि है, वो रुचि जो अभ्यास की है, वो रुचि जो हमारे संस्कार की है कि बच्चों को बड़े होना है, अपने माता पिता को चरण स्पर्श करना है, कोई मेहमान आया तो उनका स्वागत करना है, पानी देना है, वो अब मोबाइल में ही लगा रहेगा, कोई घर में आया कि गया उसको पता ही नहीं है कोई आया गया, ये ना हो, इसके लिए बहुत जरूरी है मोबाइल आपके संपर्क के लिए बहुत ही जरूरी है। हमने भी रखा है, हमने भी फोन किया कि हम आ रहे हैं, 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, तब तक ठीक है, मोबाइल गप्पे मारने के लिए ये जगह नहीं है मोबाइल की, ना मोबाइल बच्चों के लिए है, ना हमारी जो बेटी बेटियां पढ़ रही हैं उनके लिए भी मोबाइल सिर्फ और सिर्फ संपर्क के लिए ठीक है, वरना मोबाइल और व्हाट्सएप ये उससे बाहर लाना चाहिए। हर समाज को हम जहां भी जाते, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी रहा, तब मैं हमेशा कहता हूं कि इससे दिमाग थोड़ा आपका तेज जरूर हो जाएगा मगर शरीर मजबूत नहीं होगा, तो शरीर को भी व्यायाम में होना चाहिए। तो बच्चों को मैदान में खेलने दो, और मैदान में खेलेंगे तो वो मोबाइल में खेलेंगे नहीं या कम खेलेंगे। मैं आपसे और तो क्या गुजारिश करूँ, हम समाज आपके समाज के लिए जब कभी भी ऐसी कोई ज़रूरत पड़े मेरा संपर्क कीजिए, नंबर है आपके सभी वरिष्ठों के पास में, हमारी मदद हमेशा रहेगी, किसी भी समाज के लिए रहेगी। धन्यवाद। जय जय गरीबी गुजरात, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।